अभिनंदन करता हूं। और विधायक के रूप में जिनकी जिम्मेदारी मंत्री जी दोनों से मैं निवेदन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज राजस्थान बीजेपी की ओर से एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। माननीय नितिन गडकरी जी कुछ ही देर में हम सबको संबोधन करने वाले हैं। ये वर्चुअल रैली का आयोजन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के पूर्ण होने पर किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में मोदी जी ने जो वर्षों से लंबित प्रकरण थे उनको ना केवल निर्णय तक पहुंचाया बल्कि करोड़ों करोड़ों देशवासियों की उस आस्था को फलीभूत किया है। आज उसी के क्रम में माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उनका उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। साथ ही इस कोरोना के काल में किस तरह से जो आम सभाएं पूर्व में हुआ करती थी उनका स्थान एक वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है उसको भी चुनौती को अवसर में बदला है। और इसी के तहत कोरोना में जो लोगों को परेशानी हुई जो बेरोजगारी बढ़ी उसको देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है। उसके बारे में भी हम सबको जानने को मिलेगा। वो जान करके कार्यकर्ता ऐसे पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाएँ और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें इसी उद्देश्य से आज इस रैली का आयोजन किया गया है। आदर्श मंडल का जो ये आयोजन है वो यहाँ कार्यालय पर रखा गया है और आदर्श मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली को एक साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे सैनिटाइज होकर के बैठे हैं और उस रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि केसरिया तो प्रतीक है ना उन्नति का प्रगति का, इसलिए आज सब कार्यकर्ताओं ने केसरिया साफा पहना है। ये केसरिया साफा आन बान शान का प्रतीक है और इस साफे को पहन करके हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसकी भावना मन में जागृत होती है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से ये केसरिया बाना आज सिर पर बांधा गया है। क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। आज अयोध्या में रामलला को चांदी के सिंहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य द्वारे के दर्शन करने को मजबूर थे। 9 नवंबर 2019 सिख समुदाय के हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से 2019 का दिन देश में रह रहे इन लाखों शरणार्थियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। जब देश की संसद में नागरिक अभिनंदन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश